जलाकर संसार को तो रोशन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने अंदर की जो रोशनी है उससे दूर जा रहे हैं। इसी तरीके से लॉकडाउन के चलते हम सोशल डिस्टेंसिंग बना रहे हैं, लेकिन हम अपने रिश्तों से दूर हो रहे हैं। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं अनामिका, वेलकम बैक टू माई चैनल बी सिंपल एज लाइफ। तो ये स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वैसे तो हम सभी लोग अपने अपने कामों में बिजी होते हैं, जो वर्किंग लोग हैं वो अपने ऑफिस के वर्क में बिजी होते हैं, जो लेडीजें हैं वो अपने घर के कामों में बिजी होती हैं, जो स्टूडेंट हैं वो अपने स्कूल में ट्यूशंस में बिजी हो जाते हैं। लेकिन लॉकडाउन की वजह से हमारा शेड्यूल जो है पूरा डिस्टर्ब हो चुका है, किसी को पर्सनल स्पेस नहीं मिल रहा है, जिस कारण घरों में झगड़े स्टार्ट हो गए हैं। लॉकडाउन कहीं ना कहीं झगड़ों का कारण भी बन गया है। तो आइए पहले हम जान लेते हैं किन कारणों से जो झगड़े हैं घरों में स्टार्ट होते हैं। जब हम सामने वाले से उम्मीदें रखते हैं और वो उम्मीदें पूरी नहीं होती, इस कारण भी झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। हमें अपनी इच्छाओं को हम जब दूसरों पे थोपते हैं, इससे भी झगड़े के कुछ कारण बन जाते हैं। हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में रखना चाहिए और हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। इस टाइम पर हमें धैर्य रखना चाहिए। लाइफ में कोई परफेक्ट नहीं होता है, ना हस्बैंड ना वाइफ, तो हमें ये चीज समझनी होगी। अब जान लेते हैं हम इससे बच कैसे सकते हैं। जिस तरीके से लॉकडाउन के चलते हम सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ा रहे हैं, इसी तरीके से हमें अपने रिश्तों को भी थोड़ा स्पेस देना चाहिए, थोड़ा सा समय देना चाहिए, जिससे आप उस टाइम पर जो भी आपको पसंद है वो चीजें कर सके। अगर आपको योगा पसंद है आप योगा कीजिए, आपको एक्सरसाइज पसंद है एक्सरसाइज करिए, आपको कुकिंग पसंद है पेंटिंग पसंद है तो अपनी सारी मर्जी की चीजें उस टाइम पर कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। इसके अलावा आप इस टाइम में मेडिटेशन भी कर सकते हैं। मेडिटेशन आपका जो मेंटली स्ट्रेस है उसको भी कम करता है। इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो भी बनाया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हो। लॉकडाउन के चलते हमें एक साथ खाना खाना चाहिए, इससे हमारी जो बॉन्डिंग है रिश्तों की वो मजबूत होती है और हमारा मेंटल स्ट्रेस भी कम होता है। हमें सबकी इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए, हमें हमेशा अपनी बात ही नहीं मनवानी चाहिए। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आप चाय पीने आपका चाय पीने का मन है तो अगर आपका मन है तो आप अपने लिए ही बनाए, सामने वाले को फोर्स ना करें। इसी तरीके से अगर आप टीवी देख रहे हो तो टीवी पे अगर आपका ही कंट्रोल है तो सामने वालों को भी मौका दें, क्योंकि उसकी भी पसंद का उसको भी सीरियल देखना होता है। अदरवाइज आप जो है सीरियल्स को डाउनलोड भी कर सकते हो, आजकल तो इतनी यूट्यूब पे भी फैसिलिटी है। इस तरीके से भी झगड़े जो है वो कम किए जा सकते हैं छोटी छोटी बातों पर। लॉकडाउन के चलते अगर आपका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप अपने घर के कामकाज में हेल्प ना करें, आप अपनी वाइफ की हेल्प कर सकते हैं, जिससे जो रिश्तों की बॉन्डिंग है और भी मजबूत हो सकती है। इस टाइम पर हमें अपने मोबाइल से भी दूर रहना चाहिए। मोबाइल से अगर दूर रहेंगे तो आप अपने रिश्तों को तो मजबूत करेंगे, साथ में आप अपने आप को रिचार्ज भी कर सकते हैं और अपने जो रिश्ते हैं उसकी भी ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हैं। हम सभी लोग या तो न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं या जॉइंट फैमिली में रहते हैं या हम अपने बच्चों के साथ रहते हैं, तो ऐसे में जो हमारे जो विचार हैं वो सामने वाले के जो थॉट से मैच नहीं करते हैं, जिस कारण मतभेद यानी लड़ाई बनी रहती है। तो अगर किसी टॉपिक पर आपके घर में बात चल रही है और दोनों में मतभेद है भी, तो उस टॉपिक को वहीं पर स्टॉप कर दें, उस टॉपिक पर बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट ना करें, क्योंकि ये भी झगड़े का कारण बन सकता है। तो इन्हीं चीज़ों का आप ध्यान रखें तो आप जो अपनी लाइफ को स्मूथ तरीके से ले जाएंगे और जो आपका लॉकडाउन का पीरियड है वो भी आप इजली निकाल लेंगे। तो यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं एक और वीडियो में। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।